अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सभी वर्स। मेरे चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। हमेशा की तरह आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज की हमारी रेसिपी है ईद स्पेशल, तो आज आपके लिए हम बनाते हैं जूसी स्पाइसी बलोची टिक्का। तो चलते हैं और आपके लिए बनाती हूँ मज़ेदार रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने एक पूरी चिकन ली है और जिसके मैंने टिक्के के पीस बना लिए हैं। 16 पीस से हमने पूरा चिकन लिया है। इसके साथ ही एक पाव मैंने ऑयल लिया है क्योंकि हमने चिकन को फ्राई करना है। इसके साथ ही 15 लहसुन के जवे और एक बड़ा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, जिसको मोटा मोटा मैंने चॉप कर लिया है। 8 अदद खाने के चम्मच हम लेंगे लेमन जूस। मैंने कढ़ाई रख दी है और फ्लेम भी ऑन कर दिया है, तो सबसे पहले हमने ऑयल शामिल करना है। और जैसे हमारा ऑयल गर्म होता है हमने चिकन शामिल कर देना है। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हमने इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल गरम नहीं करेंगे, हमने नॉर्मल ऑयल गरम करके इसमें चिकन शामिल करना है। चिकन जो है जैसे डलती जाएगी, बहुत ज़्यादा हमने अगर ऑयल गरम कर लिया तो उसकी छींटें हमें हमारे ऊपर आएंगी, तो इसलिए हमें थोड़ा सा नॉर्मल ऑयल ना, हमने पानी शामिल कर देना है। और ये हम पानी वाला जो अदरक लहसुन है ये हम शामिल करेंगे फ्राई चिकन के ऑयल में। ये पानी वाला अदरक लहसुन हम शामिल करेंगे, इसी में हमारा चिकन गलेगा। अब हमने थोड़ा सा फ्लेम जो है तेज कर लेना है। जैसे जैसे पानी हमारा ख़त्म होता जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, हम इसको फ्राई होने देते हैं। अब हमने ये हरी मिर्चें शामिल करनी है। अभी थोड़ा पानी हमारा बाकी है, इसी में मिर्चें भी फ्राई होंगी। नमक भी शामिल करना है, मैंने एक चाय का चम्मच नमक शामिल कर दिया है। जैसे पानी हमारा खुश्क होता है हमने मसाले शामिल करने हैं, और चिकन जो है वो भी फ्राई होना शुरू हो जाएगा जैसे ही आपका पानी, चिकन इसी में हमारा गल जाएगा। जो कि चिकन हमारा फ्राई हो चुका है और लाल गया पर और पानी जो है बिल्कुल फटा है, अब हमने इसमें से ऑयल को निकाल लेना है और मसाले को इसमें हमें भून लेना है। ऑयल निकालेंगे, अब हमने सारे मसालों को मिक्स कर लेना है। ये एक खाने का चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1.5 खाने का चम्मच हमने लिया है आमचूर पाउडर, और इसके साथ ही हमने धनिया लिया है मोटा कुटा हुआ 3 खाने के चम्मच, 1.5 चाय का चम्मच कसूरी मेथी, और इसके साथ ही हम भुना मसाला शामिल करेंगे। हमारा 3 मसाला है वो भी शामिल करेंगे, 2 खाने के चम्मच। तमाम मसालों को हमने मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही लेमन जूस भी शामिल करेंगे।
हमने पूरा ऑयल नहीं निकाला है, अभी ऑयल बाकी हमने थोड़ा रखा है, क्योंकि हम मसाला शामिल करेंगे। सारा मसाला जो है हमने शामिल कर लेना है, और इसके साथ ही शामिल करेंगे हम लेमन जूस और मसाले को हमें मिक्स करना है। मसाले को मिक्स करना है, 2 से 3 मिनट के बाद हमारे कलूस रेडी हो जाएंगे। मसाले और लेमन जूस में हमने 2 से 3 मिनट तक हमें इसके साथ फ्राई करना है। ऑयल होगा तो ये मसाला इसके साथ जूसी जूसी रहेगा। 2 से 3 मिनट हम इसे पकने देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारा बलूच इसका जो है वो मसाले में अच्छी तरीके से जज हो गए हैं। अब हमें डिश आउट करना है। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। जूसी स्पाइसी बलोची टिक्का की रेसिपी रेडी हो चुकी है। देखिए ईद के दिन आपने डिनर में ज़रूर बनाना है, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, किस कदर जूसी और मसालेदार है। तो जाते जाते यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस आपको मिल सकें। इंशाल्लाह एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।